हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ। कल 12 मई था और हमारी फेयरवेल थी, बहुत ही बढ़िया लगी। लास्ट व्लॉग में हमने देख ही लिया होगा। और उसके अगले दिन आज है 13 मई और मैं निकल पड़ा हूँ राजस्थान के लिए बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो गाइस, मेरे साथ है बिजली जो केला खा रहा है, और साथ में अभिमन्यु है। अभी मैं हूँ सरन जंक्शन पर और जो हमारी ट्रेन है वो है दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। गाइस, हम यहाँ से निकल है बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था और कभी छुट्टी नहीं अवेलेबल आ रही थी तो कभी मूड नहीं था। मूड तो था बट पैसे नहीं थे, पैसे तो थे बस टाइम ही मिल पा रहा था। बट फाइनली आज हमें टाइम मिल गया और मैं बिजली अभिमन्यु हम तीन लोग जा रहे हैं इस ट्रिप के लिए। बहुत ही गाइस मज़ा आने वाला है, तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। तो ट्रेन रास्ते में है, व्लॉग को शुरू करते हैं कुछ थोड़ी ही देर में। अभी मैं हूँ करनाल में और यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। जब मैं सरंद से निकला था तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। अब यहाँ पर जो है सीटें कुछ खाली हो चुकी हैं और मैं खिड़की के पास बैठा हूँ। लेकिन एक सेकंड, बहुत तेज हो रहा है। सफर अभी तक तो बहुत बढ़िया गया है, तो अभी हम दिल्ली मिलके बात करते हैं। तो गाइस, सफर को मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप भी करिए वीडियो को आगे। गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और मैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये देख सकते हैं बिजली और अभिमन्यु यहीं पर मेरे साथ हैं। गाइस, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मैं अभी 16 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुका हूँ। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और ये सामने है मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली का है। और ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। गाइस, दोपहर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस वजह से हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो इस वजह से हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं एक स्टॉल के पास और यहाँ पर हम खा रहे हैं पराठे विद सब्जी। और गाइस, अब इसको हम करते हैं टेस्ट। गाइस, फाइनली कुछ खाने पीने के बाद हम यहां पर फिर से नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। 1 hour later. तो ये है हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि चेतक एक्सप्रेस भी है और मैं अभी हूं दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर। तो गाइस, फाइनली मैं हूं दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर और यहां से जो है हमारी ट्रेन जो चेतक एक्सप्रेस है उसमें मैं बैठने वाला हूँ। 7:25 की जो है ट्रेन हमारी चलेगी, जो कि हम सीधा पहुँचेंगे रिंगन जंक्शन पर। रात के 11:30 बज ही जाएंगे। और जैसे जो ट्रेन थी 5:25 की थी और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 6:30 के करीब हो चुके हैं। अब हम तो भैया तीन बार गए, गाड़ी तो बड़ा आराम से, हमें याद नहीं पहली बार आए। फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं रिंगस जंक्शन के स्टेशन पर। आप ये भीड़ देख सकते हैं किस हिसाब से है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहां पर आए हुए हैं। पूरा स्टेशन ही पूरा भरा हुआ है रिंगस जंक्शन का। और चलिए गाइस, अब हम चलते हैं बाहर को खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने। ये रिंगस जंक्शन का जो है बाहर का स्टेशन का व्यू है। स्टेशन तो गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रात का माहौल का आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू बाबा शाम की नगरी में। अभी बज चुके हैं 12:30। ट्रेन में हालत तो आपने देख ही लिया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम चलते हैं, दर्शन करते हैं। थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा, मैं तो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बैटरी 15% भी खड़ी है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बैटरी जीरो हो चुकी है, मेरा भी ऑफ हो चुका है। इन दोनों का फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका है। और अब हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, उसके बाद जो भी है परिक्रमा शुरू करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से। मिलते हैं सीधा मंदिर में। खाटू श्याम की जय। यहाँ पर मैं जयकारा लगा देता हूँ। बोल खाटू नरेश की जय, लखता तार की जय, शीश के दाने की जय। तो गाइस फाइनली जो है मैं तैयार होके निकल चुका हूँ बाबा जी के दर्शन के लिए। सुबह के 2:30 बज चुके हैं और अभी हम लाइन में लगने जा रहे हैं। और मैंने प्रसाद में लिया है एक इत्र और गुलाब का फूल। तो अभी हम चलते हैं। अभी हम लग चुके हैं लाइन में, आप देख सकते हैं, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा। गाइस लाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है, बट हमारे दर्शन इजीली हो जाएंगे। जय बाबा श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। अपने लिए भक्ति है बाबा। जय हो, जय आ रहे हैं।
तो गाइज फाइनली जो है हमारे दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं और अभी बज चुके हैं सुबह के 4। अभी हम आए हैं श्याम कुंड में, जो कुंड है वो सुबह के जो है 5 बजे ओपन होगा, तो अभी हम उसी के बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं और फिर यहाँ से नहाने के बाद हम निकलेंगे रिंगस जंक्शन के लिए, जहाँ से जो है हम अपने दिल्ली की पकड़ेंगे ट्रेन और फिर हम पहुँचेंगे घर। तो गाइस जो भी जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, हम इंतज़ार करते हैं दरवाजे को खुलने का, उसके बाद गाइस मैं व्लॉग शुरू करता हूँ। यहाँ पर तो नहीं वीडियो ये है गेट हमारे जय श्री श्याम बाबा जी का, बाबा खाटू श्याम जी का, और यहाँ से जो है शुरुआत होती है बाबा खाटू श्याम जी की। और ये आप देख सकते हैं ये एक तरह का बस स्टैंड ही है, यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस बादल ही बादल दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, देखते हैं गाइस अब हम सीधा मिलते हैं स्टेशन पर, बहुत ही लेट हो चुकी है, ट्रेन है 7:30 बजे, मिलते हैं सीधा स्टेशन पर। तो गाइस फाइनली जो मैं रिंगस जंक्शन पर पहुंच चुका हूं और अभी बज चुके हैं 7 और हमारी जो ट्रेन है 8 बजे आने वाली है। लगातार 26-27 घंटे से हम सो ही नहीं पाए क्योंकि भीड़ आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा थी। और अभी ये जो है हम दिल्ली सराय रोहिला जो है वो ट्रेन 8 बजे है, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा लगी हुई है, लगता है आज भी जनरल में धक्के खा के घर जाना पड़ेगा। मैं पहुँच चुका हूँ 12 बजे दिल्ली सराय रोहिला जंक्शन पर, स्टेशन पर, और बता नहीं सकता किस परिस्थिति में पहुंचा हूं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी गाइज, ऊपर से गर्मी है, जनरल में जो सफ़र करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है। तो गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो अभी हम चलते हैं न्यू दिल्ली, भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही है, नींद भी चढ़ी हुई है, तो न्यू दिल्ली मिलने के बाद बात करेंगे। गाइज ये व्लॉग जो है मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली में हुआ गया कि न्यू दिल्ली में जब हम पहुँचे मेट्रो से तो हमारी जो ट्रेन है वो लगभग छूटने ही वाली थी, तो उस चीज़ का मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया। लेकिन दिल्ली से लेके सरन तक जो जर्नी थी वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। फाइनली गाइज मैं पहुंचा सरंद जंक्शन पर 6 बजे के करीब, और जो मोहाली के लिए आखिरी बस थी उसके लिए मेरे को जल्दी से जल्दी बस स्टैंड पहुंचना था, तो वो भी मोहाली के लिए डायरेक्ट बस नहीं थी, मेरे को मरिंडे घूम के आना पड़ा। और मोहाली आते आते पहुंचते पहुंचते मेरे को रात के बज गए थे 10, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैं जस्ट डिनर करके सो गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाइज मैं थक चुका था। तो एंडिंग रह गई थी, किसी भी रीज़न से अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल ना भूलना। गाइज जो हमारी जर्नी थी खाटू श्याम बाबा के लिए वो बहुत ही गाइज बढ़िया रही, बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। आई होप आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन एंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस गाइज यही दुआ है हमारी आपके साथ, थैंक यू सो मच गाइज।